आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दो चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है ट्री ग्रोथ एंड फॉर्म्स और सेकंड रहेगा ट्री क्रॉप मॉर्फोलॉजी। ये दोनों ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि 2-4 साल में कोई एक आध क्वेश्चन आ गया, तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है इनका, लेकिन इसमें यूज़ होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ना केवल वो सिल्वी कल्चर के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि सिल्वी कल्चर सिस्टम है, फॉरेस्ट मैंसुरेशन है, मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन है, वर्किंग प्लान है, तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है बार बार आएगी और वहाँ पर इसके लिए हमें यूज करना होगा, तो ये उधर ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसलिए हमें एक साथ वो चीज़ों को समझना होता है कि जो टर्म है उनका हमारे लिए सेंस क्या है। तो यहाँ सबसे पहले अपना ट्री ग्रोथ एंड फॉर्म्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें तीन टर्म देखना है, अक्सर आ जाता है कि हर्ब क्या है, श्रब क्या है और ट्री क्या है, तो इन तीनों का एक बेसिक सेंस समझिए। हेल्प कहाँ होगी कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया उसका हमें कभी इंट्रो लिखना हो तो ये चीज़ें वहाँ लिखने में हेल्प कर जाती हैं। तो पहले देखेंगे हर्ब। हर्ब जैसे अपने पास धनिया होता है, कोरिएंडर है, पुदीना है, ये सब क्या है, ग्रासेस हैं, ये सभी हर्ब के अंडर आती हैं। इनके पीछे इनके जो क्राइटेरिया है या इनकी डेफिनेशन है उसमें क्या हो सकता है, यूजुअली हमारे जो हर्ब्स प्लांट है ये एनुअल होते हैं, यानी कि या तो एक साल की होंगी या 6 मंथ की, इसी टाइप की इनकी ग्रोथ होती है। विद इन 1 ईयर ये यूजुअली कवर कर लेते हैं मेजोरिटी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ हर्ब्स बाइनियल यानी कि 2 साल की या 2 से ज़्यादा साल की हो सकती है, लेकिन यूजुअली ये एनुअल होती हैं। सेकेंड, इनकी जो हाइट है वो बिलो 1 मीटर होगी, 1 मीटर से बिलो होगी, सेकेंड थिंग। तीसरा, अब कोई भी प्लांट है जैसे एक सिंपल सा प्लांट है तो इसका क्या होगा, ये तो कुछ क्राउन वगैरह होगा, ये इसका मेन स्टेम होगा, तो हर्ब का जो स्टेम है वो ग्रीन होगा, कैसा होगा, ग्रीन, और वूडी तो बिल्कुल नहीं होगा, वूडी तो बिल्कुल नहीं होगा। इसे ऐसे समझ सकते हो आप, अगर आप कोरिएंडर धनिया है या पुदीना है, अगर आप उसे ऐसी धूप में छोड़ दोगे तो 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल पेपर जैसा हो जाएगा। अगर आप 8-10 दिन छोड़ दोगे तो वो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा, उसका कुछ मिलने वाला ही नहीं है आपको, पेपर जैसा कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, नहीं वो भी उड़ जाएगा। तो हर्ब्स वो है जिसका जो मेन स्टेम है वो वुडी नहीं होता है, ग्रीन होगा, मेजोरिटी पार्ट उसका वाटर ही बनाता है, और इसकी जो हाइट है वो बिलो 1 मीटर है। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हर्ब्स की। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीम कंडीशन देखते हैं, दूसरी में आ जाएगा अपना ट्री। ट्री के साथ क्या होगा, इसके पास जो इसका मेन स्टेम होगा वो बिल्कुल वुडी होगा, और सभी के सभी ट्री क्या होंगे, पेरिनियल होंगे, और इसका जो स्टेम है वो वुडी होगा। इसके पास एक सिंगल स्टेम होगा जो ज़मीन से निकल रहा होगा, बाद में इस स्टेम से ब्रांचेज वगैरह निकलेंगी, लेकिन सिंगल स्टेम होगा और सभी को दिखेगा कि हाँ इसका ये स्टेम है। इसके बाद इसकी ब्रांचेज की वजह से इसका जो क्राउन फॉर्मेशन है वो होगा, लेकिन सभी को ये मालूम होता है कि इसका जो क्राउन है वो कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इस टाइप से इसका डिस्टिंक्ट एक प्रॉपर शेप में इसका डिफाइन क्राउन रहेगा। इसके पास वेल डिफाइंड एक सिंगल जो अपना बोल है या ट्रंक है या स्टेम है, दोनों तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, उसी का मतलब बोल है, वही ट्रंक है और वही स्टेम है, तीनों सेंस जो टर्म है वो सेम ही होते हैं, तो इसका एक डिस्टिंक्ट स्टेम होगा और ये यूजुअली पेरिनियल नेचर का होगा। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी अपनी श्रब की। अब इसमें क्या है, इन दोनों के ही करेक्टर है, इसका जो स्टेम है वो वुडी तो होगा लेकिन इसके पास कोई डिस्टिंक्ट मैन स्टेम नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज है, अगर इसे यहाँ पर समझें तो इसकी ब्रांचेज है वो जैसे ये ज़मीन से मैन स्टेम इसका निकलता है, ये ब्रांचेज अक्सर यहीं से इसकी निकलना शुरू हो जाती है, तो कई बार तो इसकी ब्रांचेज जो अंडरग्राउंड से होती है हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर इसमें मैन स्टेम कौन सा है और सेकेंडरी टर्सरी जो स्टेम होते हैं वो कौन से हैं। जैसे यहाँ प्लांट है, इसमें आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आखिर इसका मैन स्टेम कौन सा है। तो पहली बात तो श्रब की कंडीशन ये है कि इसके पास जो ब्रांचेज है वो ज़मीन के नीचे से हो जाती हैं, तो इसलिए मैन स्टेम यानी कि डिस्टिंक्ट स्टेम नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि ये वूडी है, अगर आप इसे काट के रख दोगे 15 दिन, 2 मंथ, 4 साल,
ये आपको जैसे पड़ा हुआ है वो वुडी जो लकड़ी है वो मिल जाएगी आपको, ये हवा नहीं होगा, गायब नहीं होगा, हर्ब की तरह है। नेक्स्ट थिंग ये है कि हाँ ये यूजुअली पेरिनियल होंगे, तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करके आपको अपनी डेफिनेशन बना देना है। एक दो बार इन्हें पढ़ लोगे तो समझ में आ जाता है कि आखिर ये है क्या। इसी टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट तीन टर्म आते हैं, चार हैं एक्चुअल में। एक है स्टेम, जैसा भी बोला कि जो स्टेम है उसी को हम बोलते हैं बोल या ट्रंक। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, बस डिफरेंट क्यों है, क्यों हम फॉरेस्ट्री में स्टेम टर्म यूज़ ना करके बार बार हम बोल या ट्रंक टर्म को यूज करेंगे। यूजली जो अपना प्लांट होता है, पेड़ कोई भी प्लांट हो, चाहे वो धनिया कोरिएंडर का हो, चाहे वो वीट यानी कि गेहूं का हो या टीक का हो, सभी का मेन स्टेम होता है ये, एक इसे स्टेम बोलेंगे। ऊपर का जो भी है लीफ वाला पार्ट है वो क्राउन वगैरह हो गया। लेकिन क्योंकि स्टेम तो हम हर प्लांट को बोलते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो ट्री के लिए अगर हम बार बार स्टेम करेंगे तो हम ट्री को और अदर के बीच में जो डिफरेंस है उसे प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, इसलिए ट्री के लिए यूजुअली हम ट्रंक या बोल टर्म को यूज करते हैं। एक टर्म बीच में आएगा आपको फॉर्किंग, खासकर फॉरेस्ट मैंसुरेशन में कई बार आएगा ये कि फॉर्किंग क्या होता है। हम अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी कोई भी ट्री है वो उसका जो मेन स्टेम है, जैसे ये ट्री है, ये ट्री है, इसका ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम, कुछ हाइट पे जाने के बाद इसका मेन स्टेम जैसे दो या तीन पार्ट में बट गया, तो ये क्या है, यहाँ पर फॉर्क हो गई, ब्रांचेज हो गई उसकी। ब्रांचिंग और फॉर्क में बस एक थोड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि ब्रांचेज में अपनी जो मेन स्टेम है वो मेन जो ट्रंक है अपना वो आपको समझ में आता है और ये दिख जाता है कि ये ब्रांचेज निकली है। इसमें क्या होगा, ब्रांचेज कितनी भी होगी लेकिन इसकी जो मेन स्टेम की मोटाई बहुत ज़्यादा होगी और ब्रांचेज की जो मोटाई है वो थोड़ी छोटी होती है। इसे आप थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि ये थोड़ा पतला होगा ये मोटा होगा, तो इसका जो लोड है वो इजली इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि ये जो फॉर्किंग होती है उसमें मेन स्टेम दो या तीन पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। अब क्योंकि इन्हें एक दूसरे से अपनी ग्रेविटी के हिसाब से बैलेंस करना होता है तराजू की तरह, तो अगर इसकी ब्रांच इस टाइप से जिस एंगल से ये झुकी होगी, जो भी सपोज 90 डिग्री ले लो, तो ये भी 90 डिग्री पे होगा, उसी हिसाब से एंगल बनेगा इनके बीच में और ये तीनों उसी हिसाब से मेंटेन करेंगे, तो ये हो जाती है फॉर्किंग। दो टर्म और आते हैं, कई बार ऐसा आएगा लिग्नोट्यूबर क्या है या बट्रेसिंग क्या है, इस टाइप के टर्म आ जाएंगे आपको। लिग्नोट्यूबर को समझते हैं, नेचर ने अपने आप को, ये जो अपने नेचर में प्लांट्स हैं इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे मेथड यूज करे हैं। सपोज कोई प्लांट है, यूकलिप्टस को ले लेते हैं, आपके यहाँ नॉर्थ इंडिया में कहीं दिल्ली के आसपास कहीं प्लांटेशन है उसकी, कल वहाँ फॉरेस्ट फायर का कोई इंसिडेंस होते हैं और पूरा पूरा वेजिटेशन खाक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये क्या यूकेलिप्टस का प्लांट अपने आप को बचा पाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सीड जो हैं उनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे केस में इसे अपनी जनरेशन को बचा के रखना एक इम्पॉसिबल टारगेट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये जो भी फूड को सिंथेसाइज कर रहा है, जो प्लांट है वो जो भी फूड को सिंथेसाइज कर रहा है अपने क्राउन के द्वारा, उसको क्या करेगा कि उसका जो रूट के जोन है, ये रूट का पार्ट हो गया, ऊपर स्टेम का पार्ट हो गया, ये रूट सूट का जो जोन है, बीच वाला जो जोन है, वहाँ पर ये स्टोर करके रखेगा फूड को ज़मीन के पास। तो वहाँ पर फूड ज़्यादा स्टोरेज होने की वजह से सोइलिंग हो जाती है, उस सोइलिंग को बोलते हैं लिग्नोट्यूबर। इसका रिजल्ट या बेनिफिट क्या है हमें कि प्लांट जब वहाँ पर स्टोर कर लेता है, यहाँ पर एक एपिकॉर्मिक बड्स, एक टर्म और आगे आएगा एपिकॉर्मिक बड्स, इसका हमारे लिए अगर प्रैक्टिकल देखा जाए ये एपिकॉर्मिक बड्स का, ये हम जब नर्सरी पढ़ेंगे उस टाइम पे आएगा कि कौन सा स्ट्रोंग कोपाइसर है, बैड कोपाइसर है, उस टाइम पे देख लेंगे इसे। तो ये जो लिग्नोट्यूबर है इसमें एपिकॉर्मिक बड्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, फूड का स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़मीन के अंदर होता है सुपरफिशियल सरफेस पे, तो अगर फॉरेस्ट फायर लग भी गया तो इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये बच जाता है। तो अगर ऊपर का प्लांट जल भी गया पूरी फायर में, तो ये जो लिग्नोट्यूबर है वो अंदर प्रोटेक्टेड है, एक टाइप से यहाँ फिक्स डिपॉजिट हो रखा है, और जैसी कंडीशन नॉर्मलाइज होगी, मानसून आएगा, रेनफॉल होगी, यहाँ से एक नया प्लांट वापस निकल आएगा। तो इस टाइप से जो लिग्नोट्यूबर है वो एक प्रोटेक्शन मेजर्स है। नेक्स्ट आता है बट्रेसिंग।
इसमें क्या है कि जो अपने ट्रॉपिकल एरिया है, खासकर ये ट्रॉपिकल रेनी वाले ऐसी एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, उनके साथ दिक्कत क्या है कि ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से जो वाटर टेबल है ज़मीन में वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा वाटर टेबल का एक रिजल्ट ये होता है कि जो हमारी प्लांट की रूट्स हैं, सपोज ये यहाँ पर है, यहाँ पर कोई प्लांट लगा रहा है, अगर वाटर टेबल आपका बहुत ज़्यादा सरफेस के पास है तो इसकी रूट्स जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि अगर नीचे गई भी तो वाटर की वजह से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है, तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो एक लिमिट से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाती हैं, और वो रूट्स जनरली क्या होती हैं, सुपरफिशियल ग्रोथ करती है, सरफेस सरफेस पे ही ग्रोथ करती हैं। हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे रीजन की। अब यहाँ पर प्लांट की हाइट होती है 20 से 25 मीटर, और रूट्स जो हैं वो इतनी 20-25 मीटर हाइट का अगर प्लांट है तो उसे रूट जो है वो बहुत डीप होना चाहिए, तभी वो उसे पकड़ सकती है, तभी उसे होल्ड करके वहाँ ज़मीन में बचा रख सकती है। एक तो ऊपर से रेनफॉल बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो बहुत लूज है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, वाटर टेबल ज़्यादा की होने की वजह से वो ज़्यादा डीप में रूट नहीं जा पा रही हैं। तो आप प्लांट की जो हाइट है 20-25 मीटर हाइट की, वो अपने आप को यहाँ ऐसी लूज मिट्टी में कैसे संभाल के रख पाएगा? तो उसका एक तरीका निकाला है कुछ प्लांट्स ने जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, कि ये जो इनका सुपरफिशियल रूट्स है उसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए, ज़्यादा मजबूती के साथ जॉइंट बना पाए, तो यहाँ पर इनकी जो कैलिक, ये क्या बोलते हैं, कैम्बियम है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर एक टाइप से सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाता है, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। ये यहाँ पर रूट होगा, उस रूट की और ये ट्री की जो जॉइंट पोर्शन है वहाँ का कैम्बियम एक्टिव होकर इस टाइप का एक एक्स्ट्रा सपोर्टिव सिस्टम बना देते हैं, जिसे बोलते हैं बट्रेस। इसकी डेफिनेशन पढ़ो और आगे बढ़ो, फिर रिमेनिंग भी आपके में नोट्स में रूट नोड्यूल्स वगैरह वगैरह ऐसी टर्मिनोलॉजी है, उसे देख लेना, ज़्यादा कोई इंपोर्टेंस है नहीं उसका। एक लास्ट में आएगा ग्रोथ स्टेजेस, ये ग्रोथ स्टेजेस समझो, इतने में अपना काम हो जाता है यहाँ। ग्रोथ स्टेजेस में बेसिकली ये देखना है कि हम जब किसी कोई सीड की सोविंग कर देते हैं तो वो कैसे जाके धीरे धीरे करके अपना एक पेड़ के फॉर्म में आता है। तो उसके बीच में जो स्टेजेस हैं उनको कुछ नाम यूज करते हैं, जैसे सीडलिंग फेज, सैपलिंग फेज, पोल ट्री, रिक्रूटिव फेज, ये टर्म आएंगे बार बार और कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आप क्या करते हो, कोई सीड लिया आपने और उसे ज़मीन में सोविंग कर दी, सीड सोविंग की है तो वहाँ से जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ 2-4 पत्ती की स्टेज तक आएगा। तो यूजुअली सीड की सोविंग यानी कि वो जर्मिनेशन हुआ, उससे उसकी स्टार्टिंग की जो फ्यू लीव्स तक की स्टेज है, उस स्टेज में जो प्लांट होता है उस स्टेज को बोलते हैं रिक्रूट फेज। ये बिल्कुल फेज उसी टाइप से है जैसे हम इंसान में बोलते हैं कि ये बच्चा है अभी, फिर जवान हो गया, फिर एक को ओल्ड एज में गया और फिर लास्ट स्टेज में चला गया, उसी टाइप की स्टेजेस है। तो स्टार्टिंग की फेज ऐसे बोलते हैं रिक्रूट फेज। ये जब फ्यू लीव्स स्टेज है उससे ऊपर आगे बढ़ जाता है, जब इसमें 4 पत्तियों से ज़्यादा पत्तियाँ जाती हैं, कब तक, जब तक इसकी हाइट है वो बिलो 1 मीटर रहती है। तो इससे इसके बीच की जो स्टेज है उसमें हम बोलते हैं इसे सीडलिंग स्टेज। कई बार हम आगे नर्सरी में बार बार टर्म यूज करेंगे कि हम जो नर्सरी में प्लांटेशन करते हैं, यानी कि नर्सरी से लेके हम फॉरेस्ट एरिया में जो प्लांटेशन करेंगे वो हम सीडलिंग की करते हैं। सीडलिंग का मतलब जो आप प्लांटेशन, जिस चीज़ को आप प्लांट कर रहे हैं वो बिलो 1 मीटर हाइट का एक पौधा है, नर्सरी से अपन सीडलिंग ही लेके आते हैं, तो वो सबके सब बिलो 1 मीटर होते हैं। जैसे ही वो 1 मीटर की हाइट को क्रॉस करके ऊपर की स्टेज में पहुंच जाए तब हम उसे बोलने लगते हैं सैपलिंग। जो अपना पॉपुलर की प्लांटेशन है वो लगभग 3 मीटर की सैपलिंग लेके आते हैं, 3 मीटर की सैपलिंग यूज करते हैं, वहाँ पर ऐसे डंडे से आते हैं 3-3 मीटर के, उन्हें यूज किया जाता है। तो ये 1 मीटर की हाइट से लेकर के प्लांट की जो स्टेज है जिसमें इसमें जो लोअर ब्रांचेज है, देखो प्लांट में क्या, स्टार्टिंग में तो ये ग्रोथ करता जा रहा है लेकिन इसमें कोई पत्ती झड़ना जैसा कोई सिस्टम बनता नहीं है, लास्ट में ये सोने लगेगा कि इसकी जो नीचे की साइड की जो ब्रांच है जो बहुत पहले गिरी बनी थी वो गिरना स्टार्ट हो गई है, और ये क्राउन काफ़ी बढ़ चुका है। खासकर इसकी जैसी लोअर ब्रांच का गिरना स्टार्ट हो गई तो हम ये मान लेते हैं कि 1 मीटर स्टेज से इस
फेज तक की जो बीच की स्टेज है इसे हम बोलते हैं सैपलिंग। लेकिन अभी तक ये जो प्लांट है वो हाइट में ग्रोथ कर रहा है, इसने डायमीटर में ग्रोथ करना भी शुरू नहीं किया है। ये जैसी लोअर ब्रांच किया, इस फेज से लेके जो आगे की स्टेज है जिसमें जो प्लांट है, व्हेन रेट इन प्लांट हाइट इंक्रीमेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड क्राउन एक्सपेंशन बिगिन टू मार्क, जैसी उसमें जो है क्राउन एक्सपेंशन है वो स्टार्ट शुरू हो जाए तब हम उसे बोलने लगते हैं कि ये पोल स्टेज में है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है वो पोल स्टेज है। पोल का मतलब डंडा, बड़ा सा पोल, जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी का पोल है। तो पोल में क्या होगा कि ये पतला होगा लेकिन लंबा लंबा होगा। जैसे ही वो साइड ग्रोथ करना शुरू कर देगा, क्राउन एक्सपेंशन शुरू कर देगा, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे ही इसने सेकेंडरी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, हमने ये मान लिया कि अब ये ट्री फेज में कन्वर्ट हो गया, अब ये ट्री हो गया है। तो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करते ही ये ट्री में हो जाता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ मींस मोटाई में, चाहे वो क्राउन की बात हो या स्टेम की हो। जैसे ये इसमें सिम्टम करना शो कर देगा, हम उसे ट्री में कंसीडर कर लेंगे, उससे पहले हम इसे पोल स्टेज में मान के चलते हैं। ये जो 5 स्टेजेस हैं इन्हें थोड़ा याद रख लें, क्योंकि जब भी हम सर्वे करेंगे, जैसे वर्किंग प्लान में हम सर्वे करेंगे, तो उस टाइम पे ये रिक्रूट फेज, सीडलिंग फेज बार बार टर्म आएगी। कई बार प्लांटेशन में आपको नर्सरी में भी ये सैपलिंग स्टेज आएगी, प्लांटेशन की जो मेथड है उसमें भी सैपलिंग स्टेज आएगी, और ये पोल टर्म भी कई बार बीच में आएगा। तो इस टाइप से टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखें कि प्लांट की जो एजेज हैं किस एज में या किस स्टेज पे हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर अपना ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब अगला चैप्टर आएगा अपना ट्री क्रॉप मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो हमारी क्रॉप है, ट्री की क्रॉप है, वो देखने में ऊपर से कैसा लगता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब उसकी आउटर स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखना उसे, जैसे ये अपना कोई प्लांटेशन है तो ऊपर से बाहर से कैसा दिख रहा है। पहले हम इसके ट्री क्रॉप मॉर्फोलॉजी का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, क्योंकि हमें देखो खेतों में तो प्लांटेशन लगाना नहीं है, वो हमारी जो स्टडी होगी वो हम एग्रोफोरेस्ट्री में कर लेंगे। यहाँ हमारा पर्पज है फॉरेस्ट का, तो इसलिए हम फॉरेस्ट से बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले समझते हैं। तो ये जो ट्री क्रॉप या स्टैंड क्रॉप मॉर्फोलॉजी है, इसमें हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये जो स्टैंड टर्म है वो क्या है, क्योंकि हम जो ट्री क्रॉप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो ट्री क्रॉप की जगह हम एक्चुअल में स्टैंड क्रॉप मॉर्फोलॉजी या स्टैंड मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंड टर्म का हमारे लिए सेंस क्या है, फिर स्टैंड से रिलेटेड जो हम मॉर्फोलॉजी वाले कैरेक्टर देख रहे थे वो फिर हम स्टैंड के देखेंगे कि स्टैंड के फॉर्म क्या है, कंपोजिशन, उसके क्राउन क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह। और लास्ट में एक आता है स्टैंडर्ड डायनेमिक्स। स्टैंड डायनेमिक्स मतलब कि जो अपना स्टैंड है उसमें समय के साथ थोड़े बदलाव आते हैं, तो उनको जो डायनेमिक है यानी कि चेंजेस हैं उनकी स्टडी करना। स्टैंड डायनेमिक्स को यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट आएगा पेपर सेकेंड का सेक्शन ए, उसमें ये स्टैंड डायनेमिक्स वहाँ पर उनके सिलेबस में दिया गया है, तो वहाँ दिया है तो उसे वहीं स्टडी करेंगे। यहाँ ज़्यादा बकेती करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर स्टैंड क्या है। देखो हम जब भी कोई फॉरेस्ट देखें, सपोज अपने पास ये एक हिली रीजन का फॉरेस्ट है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अपने पास जो यहाँ की वेजिटेशन है ये एज वाली पीक वाली, और यहाँ जो वैली की वेजिटेशन है, क्या दोनों वेजिटेशन सेम होंगी? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि वैली रीजन में जो वेजिटेशन है वहाँ पर उसको जो सॉयल है, क्योंकि ऊपर से सॉयल का इरोजन होके गया होगा, तो वहाँ पर सॉयल बहुत ज़्यादा बेटर होगी, मतलब कॉलुवियल जो अपनी है बेटर सॉइल होगी, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, विंड का भी प्रेशर लगभग नहीं होगा। जबकि यहाँ पर जो है जो टॉप पे है वेजिटेशन, उसके साथ क्या है, मॉइस्चर की दिक्कत है, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सॉइल भी उबड़ खाबड़ होगी, घटिया होगी, ये सारी दिक्कतें ऊपर ज़्यादा होंगी, वैली में कम होंगी। यानी कि अगर हम इस पूरे फॉरेस्ट के बारे में अगर हमें मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करनी है तो हम पूरे फॉरेस्ट को एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वेजिटेशन जो है वो छोटे छोटे पैचेज में अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कहीं इसकी वेजिटेशन ऐसी स्कैटर्ड मिल जाए,
जहाँ ग्रासलैंड हो, बिखरे हुए पेड़ हो, और कुछ जगह इसकी वेजिटेशन बिल्कुल बहुत ही डेंस हो सकती है। तो इस पूरे फॉरेस्ट की स्टडी हम एक साथ नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, अगर हमें इस पूरे फॉरेस्ट पे कोई सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो वो ऐसा नहीं कि हम आंखें बंद करेंगे और पूरे फॉरेस्ट पे एक ही टाइप का सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट यूज करेंगे। नहीं, हम पहले इस फॉरेस्ट को छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड करेंगे, और ये वो पैचेज होंगे जो स्ट्रक्चरली कंपोजिशन देखने में स्पीसीज वाइज लगभग सेम होंगे। यानी कि जो अपनी वैली की जो वेजिटेशन थी, ये इसे एक पैच मानेंगे, इसे एक स्टैंड मानेंगे। ये जो टॉप वाली वेजिटेशन है, इसे एक दूसरा स्टैंड मानेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर यानी कि देखने में इसकी जो अदर बिहेवियर है उनमें ये एक सी होगी। तो इसी को बोलते हैं हम स्टैंड। स्टैंड मतलब एक फॉरेस्ट का एक छोटा सा पार्ट जहाँ ट्री का एक पैच है जो एग्रीगेटेड है, और उनकी जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, उसमें ये लगभग एक से होते हैं। इससे क्या है कि एक्चुअल में हम जितनी भी सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन को यूज करते हैं, वो हम पूरे फॉरेस्ट पर ना करके वो हम फॉरेस्ट स्टैंड लेवल पर करते हैं। तो जो अपना फॉरेस्ट है वो एक्चुअल में स्टैंड से मिलके बना होता है, छोटी यूनिट है स्टैंड, और उसके से मिलके क्या बना होता है अपना फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपको जो स्टैंड है उसकी जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। तो अपन जितने भी ऊपर आगे पढ़ेंगे अपन, जैसे टेंडिंग ऑपरेशन वगैरह है, तो वो सभी हम स्टैंड लेवल पर करते हैं एक्चुअल में। अब जब स्टैंड है, तो हमारी जो मेन मुद्दा भी यही था कि हमें अगर क्रॉप की मॉर्फोलॉजी या फॉरेस्ट क्रॉप की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, तो वो हम ये स्टैंड लेवल पे ही करेंगे। तो हम उसे बोल सकते हैं कि स्टैंड मॉर्फोलॉजी। अब अगर सपोज हम फॉरेस्ट एरिया में चले जाएँ, तो हमें किस टाइप की वेजिटेशन मिल सकती है, यानी कि स्टैंड का किस टाइप का फॉर्म मिल सकता है। आप बोल सकते हो कि कहीं हमें इवन एजेड मिल सकती है, कहीं अनइवन एजेड। इवन एजेड का मतलब है कि वहाँ पर अगर आपको 100 पेड़ मिले, किसी फॉरेस्ट एरिया में चले गए, वहाँ पर 100 पेड़ मिले और सभी के सेम एज के हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी 50-50 ईयर के हों, उनमें 5-10% थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाएगा, बट उनका मेजोरिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम एज की है। इसे बोलते हैं इवन एजेड स्टैंड। दूसरी ऐसी स्टैंड हो सकती है जो अनइवन एजेड हो, यानी कि जिसमें जो ट्री स्पीसीज हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, ये 5 साल का है, ये 10 साल का है, ये और ये 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, ये बिल्कुल भंडारा हो रखा है, हर एक कोई यहाँ पर दुनिया भर की भांति भांति के पेड़ उग रखे हैं। देखो, यहाँ आपको एज के बेस पे आपसे बोला गया है स्टैंड का कि ये इवन एजेड है या अनइवन एजेड, मतलब इस टाइप से भी डिवाइड कर दिया जाता है कि इवन एजेड, टू एज और फिर अनइवन एजेड। तो इस टाइप से 3 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो या 2 में भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो स्टैंड फॉर्म में आप 3 टाइप की ही लिखें। देखो, आपने अभी तक जितने भी कोई भी बुक्स रेफ़र की होगी, मेजोरिटी जो हम एक कॉमन स्टूडेंट कर सकता है, वहाँ स्टैंड फॉर्म 2 टाइप के ही होंगे। वो एक बोलेगा है, बोलेगा इवन, और दूसरा लिखेगा अन ईवन, जो मैंने आपको समझा दिया। एक तीसरा आप एक्स्ट्रा लिखिए, यहाँ पर लिखिए टू एजड स्टैंड, मतलब इवन एजड, टू एजड और अन ईवन एजड। तो इससे एक थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा मिल जाती है और एक एज मिल जाती है दूसरे लोगों की कॉपी से आपकी को। टू एज का मतलब जहाँ 2 एज के स्टैंड हो सकते हैं, यानी कि एक ऐसा है कि सपोज एक स्टैंड है आपकी 50% या 60% वेजिटेशन है 20 साल की, और रिमेनिंग जो वेजिटेशन है वो 15 साल की या 10 साल की है। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ मैंने आपको एज के हिसाब से बोला, यहाँ मैंने ये नहीं बोला कि कोई वेजिटेशन है वो पूरी टिक की है, पूरी साल की है, मिक्स है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इवन एजेड स्टैंड है, इनकी सभी की एज क्या है, 20 ईयर है, और आपने इसमें क्या किया, टिक को भी सपोजिए अपने आज से 20 साल पहले, यानी कि जब अपने यहाँ वो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1990 के आसपास, आपने उस टाइम पर, 1990 नहीं, 2000, 2000 में अटल जी आए थे, और उन्होंने वहाँ पर कहीं एरिया में जाके टिक की, साल की, बबूल, नीम, ऐसे 5-10 पेड़ों को पकड़ के एक साथ लगा दिया था।
तो आज के टाइम पे सभी के सभी एक ही एज के होंगे, तो वो इवन एजेड स्टूडेंट है। हमने उन्हें एज के हिसाब से बोला है, उनकी उसके हिसाब से नहीं, कंपोजिशन के हिसाब से नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ये इवन एजेड स्टूडेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझना, क्योंकि क्वेश्चन अपने इसी पे आने वाले हैं। अब आपको थोड़ा आसान हो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत अभी डिफ़िकल्ट आएगी, थोड़ी कन्फ्यूजन कर देती है। आप ऐसे समझ लो कि आप जा रहे हो उत्तराखंड का तराई रीजन, ये अपना तराई रीजन है जो आउटर शिवालिक है, इससे लगा हुआ जो है हल्द्वानी या हरिद्वार वगैरह का है, रामपुर है ये, हल्द्वानी वगैरह का है, ये पूरा है तराई रीजन। इधर से ये तराई रीजन फेमस है पॉपुलर की प्लांटेशन के लिए, क्यों फेमस है उसे बाद का मुद्दा है, बाद में डिस्कस करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। लेकिन मेन मुद्दा है कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो खेत है तराई में, आपको 10-10 किलोमीटर का जो पूरा बेल्ट मिलेगा उसमें सब में पॉपुलर ही पॉपुलर है, इन्होंने प्योर पॉपुलर की प्लांटेशन कर रखी है। 7 साल की या 10 साल की क्रॉप होती है, तो सपोज आप अगर आज जाते हो और किसी किसान ने वहाँ 2010 में प्लांटेशन कर दी थी और आज 20 में उनकी 10 ईयर की क्रॉप है, हार्वेस्टिंग वाली है, तो आपको ये जो क्रॉप मिलेगी ये क्या मिलेगी, इवन एजेड क्रॉप मिलेगी, बिल्कुल सब की सब पूरी क्रॉप एक ही एज की है। यहाँ आप मोटे तौर पर समझ लो कि पॉपुलर की प्लांटेशन है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि इवन एजेड क्रॉप के कुछ कैरेक्टर लिखिए, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज, तो आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ एक इवन एजेड ये अपनी पॉपुलर की ले ली, तो पहला तो इसके साथ क्या है कि यहाँ की जो क्रॉप होगी वो ऑलमोस्ट सेम साइज होगी, सेम शेप होगा इसका, सेम एज सेम साइज शेप सेम शेप, तो ये लगभग सेम सी होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसकी जो प्राइस है वो आपको मार्केट में ज़्यादा बेटर मिल जाएंगे। दूसरा यह है कि क्योंकि इनमें एक ही कंडीशन है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल क्लोज क्लोज प्लांटेशन है, अगर इसकी कोई यहाँ ब्रांच निकली होगी तो इसकी शेडो की वजह से यहाँ इसे धूप नहीं मिली, तो इसकी हो गई नेचुरल प्रूनिंग। नेचुरल प्रूनिंग की वजह से इनके जो बोल हैं वो बिल्कुल क्लीन मिलेंगे, बोल मतलब स्टेम, तो इनके स्टेम जो है वो बिल्कुल क्लीन मिलेंगे। क्राउन एक लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा जैसे ही वो लिमिट्स है, इस ट्री का क्राउन जैसे ही थोड़ी लिमिट से जाएगा वो या तो इसके से टकरा जाएगा या इसके से टकरा जाएगा, तो इनके पास जगह ज़्यादा नहीं होती है, वो लिमिटेशन में है। जैसे यहाँ की अगर किसी ट्री की बोलोगे तो उसके पास एक फिक्स स्पेस है, उससे ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऊपर की तरफ भागना, साइड में ग्रोथ कर नहीं पाता, तो इसका जो क्राउन है वो काफ़ी बिल्कुल छोटा रहेगा और रेट ऑफ टैपरिंग जो है वो काफ़ी कम रहेगी। रेट ऑफ टैपरिंग अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ अपना लाइट इंक्रीमेंट वाला जो केस था उसमें बिल्कुल वही कैरेक्टर यहाँ पर अपने आ जाएंगे। इससे आप ये समझ सकते हो कि जनरली जो इवन एजेड क्रॉप है उसके हमारे लिए क्या एडवांटेज है। मैं आपको इवन एजेड के लिए ये पॉपुलर वाली कंडीशन बता रहा हूँ, जिससे थोड़ा आसान हो जाए, दूसरे दो चार डिफरेंस जो हैं वो भी हो जाए। या इवन एजेड का 100% इसका मतलब यही नहीं होता है कि ये पॉपुलर की ही प्लांटेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो पॉपुलर हो, सेकंड लाइन यूकलिप्टस हो, तीसरी लाइन की बबूल हो, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन बेसिकली अपन पॉपुलर लेके चलो, अपना काम हो जाता है, अपने जो क्वेश्चन है वो इजीली हैंडल हो जाते हैं। अब यहाँ एक इशू और है, वो है कि जब हम क्वेश्चन में लिखते हैं तो हमें ये तो चीज़ें ऊपर की चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन कभी हम इनके जो रूट वाला पार्ट है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब आप अपना आंसर लिखें तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो कंपटीशन है वो केवल ऊपर ही नहीं होगा, वो थोड़ा नीचे भी होगा, तो इनका रूट सिस्टम भी एक थोड़ा डेप्थ तक जाता है, कंपेयर टू अनइवन एजेड के क्रॉप में इनकी थोड़ा डेप्थ भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना होता है। अब ये एडवांटेज हो गए, तो फिर इसके क्या हो गए डिसएडवांटेज। यहाँ पर जो नेचुरल प्रूनिंग है वो अपन इसमें देख ही चुके हैं, इस पिक्चर को देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। डिसएडवांटेज में क्या आएगा इसका, ये देखो जो अपनी प्लांटेशन है इसमें जो रूट के बारे में बात की जा रही है, तो सभी के प्लांट, ये प्लांट की भी सपोज रूट की ये डेप्थ है, इस भी प्लांट की रूट की ये डेप्थ है, इसकी भी यही रेट,
तो ये क्या करेंगे कि जो सॉयल है उसकी एक पर्टिकुलर डेप्थ की जो सॉयल है उसको तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, और रिमेनिंग उस डेप्थ से नीचे की सॉयल या उससे ऊपर की जो सॉयल होगी उसको ये यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो यानी कि जो सॉयल है उसको ये बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता यहाँ। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हम पॉपुलर को ही लेके चल रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो लगभग सेम है, सेम ही एज की है या सेम ही वेजिटेशन है। तो अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट अटैक कर देता है, जैसे प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस है जो बिहारी हरी कैटरपिलर है वो इस पर कई बार अटैक कर देता है पॉपुलर पे, खासकर वो जो सोयाबीन वगैरह इंटरक्रॉप करते हैं तो उस टाइम पर इसकी लीफ पे भी थोड़ा डैमेज कर देते हैं। तो अगर कोई बाहर से इंसेक्ट अटैक कर दिया तो उसे तो बिल्कुल मस्त पॉपुलर ही पॉपुलर मिला, तो इनकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक पर किया तो सब एक सी वेजिटेशन है तो सब पे अटैक कर देते हैं। अब अगर कहीं ऐसा हो कि एक लाइन टिक की है, दूसरी साल की है, तीसरी बबूल की है, चौथी किसी और की, और फिर 7-8 लाइन जाने के बाद फिर टिक की मिले, तो जो इंसेक्ट है वो अगर टिक पर डैमेज करेगा तो फिर उसे दूसरी टिक की लाइन तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप से अपनी जो क्रॉप की रेजिस्टेंस है या टिक की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसेक्ट यूजुअली एक ही ट्री स्पीसीज यानी कि मोनोफेगस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी एक डिसएडवांटेज है इस टाइप की इवन एजेड प्लांटेशन की। और जो चाहे इंसेक्ट अटैक ले लो या एडवर्स वेदर ले लो, उनका इम्पैक्ट थोड़ा इन पर ज़्यादा होता है। तो जब भी हम लोग अन ईवन एजेड या जो जब भी हम लोग इस टाइप की जो ईवन एजेड स्टैंड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, आप याद रखो जैसे पॉपुलर लगा लो या यूकेलिप्टस लगा लो, क्योंकि हम जनरली उन्हें प्योर क्रॉप मान कर ही यही करते हैं, ज़रूरी नहीं वो मिक्स भी हो सकते हैं लेकिन हम यूजुअली प्योर क्रॉप लेके चलते हैं। अब इस पे जैसे एक क्वेश्चन आ गया। अब हाँ, एक बात और है, अब अगर आप इसमें, क्योंकि एज की बात की गई है मिक्सअप की नहीं, आप यहाँ डिफरेंट स्पीसीज भी ले सकते हो, तो जब आप अपने आंसर में कोई मिक्स टाइप की स्पीसीज को भी यहाँ जोड़ दोगे, सेम एज की है बट वो मिक्सचर भी हो सकता है, तो वो आपको एज देगा आपके साथ वाले की कॉपी से, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अब एक जैसे एक क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन था डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इवन एजेड स्टैंड। इसने इवन एजेड स्टैंड की कैरेक्टर और स्ट्रक्चर को बात की गई। अब आप लिखोगे कैसे? सीधी सी बात है, सबसे पहले तो अपना वो फ्रेमवर्क रहता है कि इंट्रो लिख दो, इसके क्या कैरेक्टर है क्या स्ट्रक्चर है। तो इंट्रो में क्या लिखोगे कि इवन एजेड स्टैंड होती क्या है, कि भाई वो स्टैंड जो लगभग सेम एज की हो और देखने में वो वगैरह सब फलाना फलाना सब कुछ सेम हो, तो अपनी इवन एजेड स्टैंड हो गई। अब कैरेक्टर में क्या लिखोगे? कैरेक्टर में अपन ने जो अभी पढ़े हैं इसमें एडवांटेज में बहुत सारे आ गए अपने, कि इनकी लगभग सेम सेज है, सेम साइज है, सेम शेप है, सेम क्राउन है, ये ऊपर की चीज़ आ गई। फिर इनकी रूट की वाली है कि सेम ऑलमोस्ट डेप्थ है, हालांकि ऑलमोस्ट सेम डेप्थ करना है वहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि स्पीसीज वेरिएशन थोड़ा हो सकता है, स्पीसीज जो मिक्सचर है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हम यूटिलाइज कर लेते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना इधर का करेंगे जो अभी आगे वाली स्लाइड में है। तो यहाँ डिफरेंट स्पीसीज वाला जो पॉइंट है उसे यूज करो, सबसे बेस्ट आपको हेल्प करता है आपको 0.5 या 1 मार्क ज़्यादा आने में। नेक्स्ट आता है अपना इसकी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या करोगे? तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है, एक डायग्राम बना दो, जिसमें आप डायग्राम जब बनाओ तो उसमें ऊपर की सिंगल कैनोपी बना दो और नीचे रूट डेप्थ वाला भी बना सकते हो। सिंगल कैनोपी यानी कि आप सिंगल कैपो, देखो याद तो रहता नहीं है एग्जाम के टाइम पे, तो सिंगल कैनोपी बना रहे हो मतलब आपने पॉपुलर वाली प्लांटेशन को पकड़ के चल रहे हो। कहीं कहीं बीच में कुछ दूसरे स्पीसीज भी लगा सकते हो, मिक्स टाइप के उन्हें कर सकते हो, क्योंकि एज की बात की गई है, कंपोजिशन की बात नहीं की, तो आप थोड़ा बहुत दूसरे स्पीसीज को भी यूज करें, बिल्कुल यूज करें दूसरे स्पीसीज को, क्योंकि टीचर जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो इस फॉरेस्ट में पिछले 30 साल से 35 साल से इन्वॉल्व है, वो उसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो वो पढ़ते ही उसे समझ में आता है क्या है। तो आपने अगर वहाँ पर केवल एक ही स्पीसीज ना बना के कुछ डिफरेंट कर दिया है तो वो आपको मार्क्स देगा। यहाँ करना क्या है, सपोज जैसे स्ट्रक्चर बना रहे, तो यहाँ पर जैसे एक पेड़ ये ऐसे बना रहे थे आप, तो दूसरे को क्या कर देना है, बस ऐसे करके कुछ घुमा देना है, फिर यहाँ पर छोटे छोटे क्राउन बना दिए, तीसरा कोई और कर दिया है इस टाइप का,
तो इस टाइप से आपको डिफरेंस कर दिया कि हाँ इसका क्राउन अलग है, मतलब ये थोड़ा पेड़ डिफरेंट है, या कोई अलग अलग कलर पेन भी यूज कर सकते हो, तो इस टाइप से अपन को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। रूट डेप्थ वगैरह में भी ऐसा कर सकते हो। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट अपना आएगा, यही जो स्टैंड है वो कंपोजिशन के बेस पे है। कंपोजिशन के बेस पे हो सकती है कि ये प्योर स्टैंड है या मिक्स है, यानी कि प्योर फॉरेस्ट है या मिक्स फॉरेस्ट है। प्योर का मतलब ये केवल एक ही स्पीसी से मिलकर बना है, जबकि मिक्स का मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। अब अगर मैं आपसे इसके बोला एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स में पढ़ लोगे और बेसिकली आपको समझ में आ गई हो। इसीलिए मैंने आपसे जो अपना मतलब जो पहला था अपना, यानी कि जो अपना प्योर था, इवन एजेड था, उसे मैंने पॉपुलर प्लांटेशन से लेके चला हूँ, जिससे आपको थोड़ा दोनों में कॉम्बिनेशन हो जाए। प्योर का मतलब है सिंगल स्पीसीज, मिक्स का मतलब डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ एज का कोई मतलब नहीं है। मिक्स फॉरेस्ट है यानी कि डिफरेंट स्पीसीज है, इनकी कुछ भी यूज एज हो सकती है। प्योर फॉरेस्ट का मतलब होता है सिंगल स्पीसीज है, यहाँ प्योर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पॉपुलर 15 साल का है, 10 10 साल का है, यानी कि 10 साल का है, 15 साल का है, 25 साल का है। लेकिन अगर यूजुअली हम बोलें तो यहाँ प्योर फॉरेस्ट में एक ही स्पीसीज होगी और उनकी ऑलमोस्ट सेम एज होती है, और मिक्स फॉरेस्ट में क्या होगी, बहुत सारी टाइप की स्पीसीज होंगी और सबकी डिफरेंट एज होगी, जो एक स्टैंडर्ड है। क्योंकि आपको नेचर में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्योर फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट एज ग्रुप के मिल सकते हैं, ये यूजुअली अपन को मिलते नहीं हैं, क्योंकि प्योर फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, किसी के खेत में, फार्म में, और उसने एक ही साथ प्लांटेशन लगाई होगी इनकी और एक टाइम पे वो हार्वेस्ट कर लेगी। तो प्योर फॉरेस्ट अपना इसी को लेके चलना है, स्टैंडर्ड है, और मिक्स फॉरेस्ट अपना ये है। तो अब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वही चीज़ें हैं, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंसी वाली बात ले लो, साइट को कितना बेटर तरीके से एक्सप्लॉयट कर रहा है। क्योंकि मिक्स जो स्टैंड है, इसकी जो ट्री है, सपोज इसकी यहाँ पर एक अलग प्लांट है, इसकी जो रूट है उसकी डेप्थ कम होती है, दूसरा यहाँ पर प्लांट है उसकी रूट डेप्थ ज़्यादा होती है, तीसरे की कुछ कम है, तो ये सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मिक्स फॉरेस्ट जो है वो सॉइल को बेटर तरीके से यूटिलाइज करता है, सॉइल को जो अपना साइट है उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करता है कंपेयर टू प्योर फॉरेस्ट। दूसरा, अगर डिजीज रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो सपोज अपना एक टिक का कोई इंसेक्ट आया, टिक पर अटैक करने वाला, उसे एक पेड़ टिक का यहाँ मिला, दूसरा टिक यहाँ पर कहीं है, तो सही इस पर अटैक करने के बाद इस टिक पे जाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, उसे इतना बड़ा जो पेड़ों का झुंड है वो पार करना होता है, और वो अक्सर वो कन्फ्यूजन हो जाता है और उसी में नहीं जा पाता है। तो इनकी जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है। फ्रॉस्ट फायर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो भी इसमें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिक्स फॉरेस्ट है, गर्मी आ गई है, कुछ पेड़ सूख गए लेकिन कुछ पेड़ अभी भी हरे हैं, जो हरे हैं वो वहाँ पर एवेपोरेशन करके टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर रखा है उन्हें, उनकी हरी पत्तियाँ, अगर उन्हें आग का जो है वो फायर का अगर उन्हें लगा भी, अटैच में आए, तो बहुत सारी हीट जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इस टाइप से मिक्स जो फॉरेस्ट है उनकी फॉरेस्ट से मतलब फायर रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट पेस्ट यानी कि एडवर्स जो है कंडीशन उससे रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, और साइट को भी बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन मिक्स फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं होता कंपेयर टू प्योर फॉरेस्ट। प्रोडक्शन का पर्पज़ अपन टेंजिबल बेनिफिट से, अगर टिम्बर प्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अपने प्योर फॉरेस्ट करेंगे, मिक्स फॉरेस्ट नहीं। तो ये प्योर और मिक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपके नोट्स में काफ़ी अच्छी तरह से दिया गया है। फिर उसमें ये होता है कि क्योंकि मिक्स फॉरेस्ट के एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, तो आज के टाइम पे जो लोग हैं वो प्योर फॉरेस्ट का तो करेंगे, यानी कि प्योर को करेंगे, तो हम वहाँ पर भी मिक्सर कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, जिससे हमें एक टाइप से रेजिस्टेंस भी मिल जाए और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिल जाए। तो जो मिक्सअप है उनके टाइप है, जैसे एक है लीनियर टाइप का मिक्सअप, अगर आप में से कोई पंतनगर वगैरह गया है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक इन्होंने एक पूरी लाइन है यहाँ पर एक स्पीसीज की प्लांटेशन कर दी है, फिर दूसरी लाइन है उसमें इन्होंने दूसरी स्पीसीज की प्लांटेशन कर दी है, तीसरी लाइन है उसमें तीसरी स्पीसीज की प्लांटेशन कर दी है, फोर्थ लाइन है उसमें कोई फोर्थ स्पीसीज है, तो ऐसी उन्होंने 10 या 15 स्पीसीज को लाइन वाइज किया है। तो ये क्या है, मिक्सअप तो है लेकिन वो लीनियर है।
दूसरा मिक्सअप कैसे हो सकता है कि इनके पास एक बड़ा सा फार्म है, सभी पेड़ों के जो भी 10-15 स्पीसीज है उनके सीड लिए, मिला दिए, गड्ढमट कर लिए और एक साथ इसमें स्प्रीड कर दिए, किसी को कोई पता नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है बट चल रहा है। तीसरा होता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब अपने पास जो एरिया है उसको आपने छोटे छोटे चेस बोर्ड में बैठा लिए, जैसे अपन चेस खेलते हैं, और फिर उसके हिसाब से आपने यहाँ पर ब्लॉक दे दिया कि पहले स्पीसीज इसमें है, टीक सपोज इसमें ग्रो किया, फिर आप इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, साल आपने इसमें कर लिया, इसमें कर लिया और इसमें कर लिया, तो कोई भी स्पीसी एक साथ नहीं होगी, वो छोटे छोटे ब्लॉक में होगी, इसे बोलते हैं हम ब्लॉक मिक्सिंग। तो इस टाइप से आजकल मिक्सअप का एक थोड़ा एडवांटेज की वजह से यूज काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा गया कि जैसे मिक्स फॉरेस्ट स्टैंड है, वो फॉरेस्ट को ज़्यादा कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लेता है, इस पर कमेंट करो। प्योर स्टैंड, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, पहले 2010 में आया था प्योर स्टैंड है फॉरेस्ट का, वो इनकम्प्लीट यूटिलाइजेशन कर पाता है साइट को, उस पर कमेंट करो। बाद में इनसे शायद दोबारा से क्वेश्चन बनवाया गया तो इन्हें थोड़ा आलस आ गया होगा, उन्होंने बोला एक काम करो प्योर की जगह मिक्स स्टैंड कर देते हैं, क्वेश्चन वही छोड़ दो। तो इस टाइप का काम हो रहा है यहाँ पर, मतलब थोड़ा आलसपन है, बट क्वेश्चन है, मस्त है। तो चाहे वो आपसे प्योर का पूछ रहे हैं या मिक्स का पूछ रहे हैं, तो आप इसमें वही है अपना रोना धोना कुछ होना नहीं है, वही चाहे आप इवन एजेड अनइवन एजेड कर लो, प्योर या मिक्स कर लो, घूम फिर के वहीं आना है। आगे चलते इसे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आप उन्हें एक बार लिखने की कोशिश करो, बाद में सॉल्यूशन वगैरह मिलेगा जहाँ तक होगा तो उनमें भी आप देख सकते हो, लेकिन एक बार ने ट्राई करो, आपका जितना आप ज़्यादा ट्राई करेंगे उसी के टाइम के साथ आपके वो क्वेश्चन ज़्यादा इंप्रूव होंगे। मैं आपको कितना भी सॉल्यूशन दे दूँ, कितना भी बेटर वे में समझा दूँ, एक लिमिट से ज़्यादा ये चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं। इसी में नेक्स्ट आता है अपना स्टैंड डेंसिटी। देखो डेंसिटी का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी यूनिट एरिया है उसमें नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, वो उसकी डेंसिटी हो गई। अब स्टैंड का मतलब प्लांट, अगर किसी यूनिट एरिया में नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं वो क्या हो गई, स्टैंडर्ड डेंसिटी। कई बार इस टाइप के और रिलेटिव टर्म है कि उन्होंने पूछा क्राउन डेंसिटी कितनी है, या स्टेम डेंसिटी कितनी है, या क्रॉप डेंसिटी कितनी है, घूम घूम फिर के वही चीज़ आती हैं। अब जैसे क्राउन डेंसिटी देख लीजिए, उसका मतलब क्या है, आपने एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया, क्योंकि क्राउन जो है वो 3 डायमेंशन में होता है, आपने यूनिट वॉल्यूम ले लिया और उस यूनिट वॉल्यूम का कितना परसेंटेज है जो ट्री के क्राउन कवर कर रहे हैं, वो हो गई क्राउन डेंसिटी। इसी टाइप का मोर और लेस, इसी टाइप की डेंसिटी को अपन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी देख लेते हैं, वो भी ऊपर से जो है कवर है उसके हिसाब से देख लेते हैं। कैनोपी डेंसिटी टर्म यूज करते हैं वो, उसे कैनोपी डेंसिटी। देखो यहाँ कैनोपी है और यहाँ क्राउन है, जो क्राउन डेंसिटी है उसमें हम 3D लेते हैं। कैनोपी डेंसिटी का मतलब हम जस्ट ऊपर से देख लेंगे, ऐसा एक पिक्चर जो होती है उस पे इस टाइप का एक स्क्वायर रख लेंगे और ये देखेंगे कितना एरिया जो है वो कैनोपी से फिलअप हो रहा है और जितना एरिया छूट रहा है वो अपना बच रहा है, तो जो जितना परसेंटेज फिलअप हो गया वो अपनी होगी कैनोपी डेंसिटी। तो यहाँ कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से ही अपने फॉरेस्ट जो है उन्हें ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब है, मॉडरेट डेंस, वेरी डेंस के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। इन्हें हम लोग वैसे भी कई बार पढ़ेंगे कि अगर जो फॉरेस्ट है अगर उसकी कैनोपी डेंसिटी है वो 10% या उससे नीचे है तो हम उसे स्क्रब में कर देते हैं, अगर उसकी डेंसिटी 10% से लेकर 10 से 40 के आस बीच में है, 10 मतलब 10 या उससे नीचे, तो यहाँ पर ये आएगा अपना 10 पॉइंट कुछ, 10 पॉइंट से ऊपर जैसे ही गया वो अपना आ जाएगा ओपन में, लेकिन वो 40 से थोड़ा नीचे होना चाहिए, less than 40। 40 से ऊपर, 40 से जो भी ऊपर है उसे हम बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। अब 40 से 70 के बीच बोलते हैं मॉडरेटली डेंस, और 70 से ऊपर है वेरी डेंस, लेकिन 40 के ऊपर जाने का मतलब डेंस है, क्योंकि ये दोनों ही डेंस फॉरेस्ट हैं, एक मॉडरेटली डेंस है और दूसरा वेरी डेंस है। इनके डाटा वगैरह थोड़ा याद रख लो, शायद 2017 में क्वेश्चन आया था इस पर इनकी डेंसिटी पे, तो उसमें यही जो पिक्चर है इससे ही काम हो रहा था अपना। कई बार हमें जो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान है उसमें इस टाइप की डेंसिटी क्लासिफिकेशन आएगा कि जो हम ऊपर से देखते हैं और उसका कितना परसेंटेज जो है वो कवर कर रहा है, तो वहाँ पर हम कर देते हैं ये ओपन है, थिन है, डेंस है, क्लोज है, उस हिसाब से भी हम इसे कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आएगा इसका कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेंसिटी, हाउ स्पेसिंग इज कंट्रोल, मतलब स्पेसिंग के हिसाब से जो स्टैंड डेंसिटी है उसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इस पर डिस्कशन करना था। तो अब स्टैंडर्ड डेंसिटी की जो डेफिनेशन है उसे तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि आखिर
स्ट्रेन डेंसिटी क्या होती है। अब अगर स्पेसिंग की बात की जाए, स्पेसिंग मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर में स्पेसिंग पे मुद्दा आएगा तो वहाँ देख लेंगे उन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि कोई भी जैसे स्पेसिंग की बात कर रहे हैं ये, अगर आपके पास एक एरिया है और उसमें जो प्लांट है अगर वो क्लोज स्पेसिंग में है तो वहाँ पर जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर सेम साइज का एरिया है वहाँ पर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी के हिसाब से, स्पेसिंग के हिसाब से इनकी डेंसिटी चेंज होगी, तो उसी मुद्दे पर डिस्कस करना था। अब कई बार जब लिखने को ज़्यादा ना हो तो दो चार पिक्चर बना के अपन काम कर लेते हैं। इस टाइप से एक पिक्चर बना दो, इनको बीच में कंपेयर कर दो वर्सेस लिख करके, तो इस टाइप से हम इजीली, अपना पेज भी भर जाता है, टीचर को भी थोड़ा आसान हो जाता है और मार्क ज़्यादा कम नहीं होते हैं। सपोज 10 मार्क का है, दो लाइन में लिखने वाले थे आप और आगे बढ़ जाते तो दो लाइन में आपको क्या मिलते, एक या दो लाइन, एक या दो मार्क। ऐसे में अगर पिक्चर विक्चर बना दिए तो ज़्यादा ना सही 4 मार्क तक तो अपने आ ही जाते हैं, 3.5-4 मार्क तक काम हो जाता है। इसी में अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है ग्राउंड क्लासिफिकेशन। इसको थोड़ा समझो ध्यान से, क्योंकि इसमें रट्टा मार वाली टर्म नहीं है अपने लिए, इसमें जो यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी है कभी कभी वो काम आती है। एक क्वेश्चन आया था 2012 में, लेकिन ऐसा नहीं कि 2012 में 8 साल पहले आया था तो अभी भी हम उसके पीछे रट्टा मार रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो याद रखनी है चीज़ें उन्हें एक लिमिट में रखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखें कि आपके पास 8 क्वेश्चन आने हैं, उनमें से आपको 5 करने हैं, तो एक अपनी जो एनर्जी है वो एक लिमिट से ज़्यादा फॉरेस्टी पर न लगाएं, खासकर जो 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो अदर जो ऑप्शनल है आपका और जीएस इंग्लिश है उसको भी फोकस करें। तो यहाँ जैसे क्राउन क्लासिफिकेशन है, तो देखो हमारे अगर जंगल में हम जाते हैं तो हमें दो टाइप की वेजिटेशन मिल सकती है, या तो इवन एजेड और दूसरी अन ईवन एजेड। हम यहाँ इवन एजेड को ही ले लेते हैं, यानी कि सेम एज की, एज सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के जो क्राउन है वो सेम ही साइज का है। अब इवन एजेड एक तो ऐसी हो सकती है कि एक ही स्पीसीज है, सपोज प्योर है, तो उसके जो क्राउन है वो ऑलमोस्ट सबका सेम एज का होगा, कुछ ही परसेंटेज होंगे ट्री जो सप्रेस या डोमिनेटेड होंगे, रिमेनिंग सबके सब ऊपर की ही कैनोपी बनाएंगे। दूसरे इस टाइप के मिक्स फॉरेस्ट स्टैंड भी हो सकती है, जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज हैं, सबकी सब सेम एज की है लेकिन उनकी जो स्पीसीज अलग अलग हैं तो उनके जो कैनोपी है वो भी अलग अलग होगी। तो इनकी जो कैनोपी है वो सपोज अपन ने इस टाइप की बना ली, जहाँ ट्री की कैनोपी है वो डिफरेंट कैनोपिक ही लेयर बन जाती है। अब यहाँ हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे इवन एजेड का। तो जैसे अपने पास इसी जो कैनोपी है इसको एक साथ ले लेते हैं स्टैंड को। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ऊपर की टॉप की वेजिटेशन दिख रही है। इस जो टॉप की कैनोपी है, यानी कि ये वो प्लांट है जो इस स्टैंड में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, सब क्योंकि सबसे ऊपर है तो जो डोमिनेंट है उनको शो करते हैं, क्या बोलते हैं हम उन्हें, डोमिनेंट, और इनको शो करते हैं कैपिटल डी से। ध्यान रखें इन्हें डोमिनेंट को कैपिटल डी से शो किया जाता है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि एक तो बिल्कुल रियल में सबसे टॉप पे है, जैसे कि ये प्लांट है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल टॉप पे तो नहीं है, कुछ हल्का सा आधा मीटर या एक मीटर थोड़ा नीचे होते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके थोड़ा कब्जा सा कर रखा है, तो इन्हें हम बोलते हैं मतलब डोमिनेंट दोनों ही हैं। पहले को बोलेंगे हम प्रीडोमिनेंट और दूसरे को बोलेंगे कोडोमिनेंट। तो कई बार हम इन्हें शो कर देते हैं ऐसे कि D1 और D2, क्योंकि प्री है मतलब पहले वाला है सबसे ऊपर का है तो उसे D1, और जो थोड़े नीचे है उन्हें बोल दिया D2। इसके बाद नीचे की कैनोपी आएगी अपनी, जो डोमिनेंट के थोड़े बिल्कुल नीचे है, हालांकि ये ऑलमोस्ट जो डोमिनेंट की जो हाइट है उसका लगभग इसने 75% यानी कि 3/4 को कवर कर रखा होता है। इसको हम बोलते हैं डोमिनेटेड, क्योंकि डोमिनेंट ने इसे दबा रखा है तो ये डोमिनेटेड है। इसको शो करते हैं स्मॉल डी से। अब अपनी तीसरी कैनोपी जो नीचे है, इन्हें बोलते हैं सप्रेस्ड। ये जो अपने टालेस्ट यानी कि डोमिनेंट ट्री है उसका लगभग आधी ऊंचाई तक ही ग्रोथ कर पाते हैं, तो ये तीसरी वेजिटेशन जो है उन्हें बोलते हैं सप्रेस्ड। इन्हें शो करते हैं कैपिटल एस से, तो इसका कैपिटल डी है, स्मॉल डी है और एस से। इस टाइप से तीन सिंबल को हम यूज कर लेते हैं और ये तीनों जो टर्म है उन्हें याद रखो, डोमिनेंट, डोमिनेटेड और सप्रेस।
अब कई भी क्या होगा कि ये तो 3 साइन हो गए, कुछ और भी स्पीसीज मिल सकते हैं, कुछ ऐसी भी प्लांट मिल सकते हैं यहाँ जो मर गए हैं, डेड है लेकिन खड़े हैं, या बीमार है, मरने की कगार पर है, तो उन्हें हम बोलते हैं मोरीबंड या डेड। उन्हें शो करते हैं स्मॉल एम से, किसी को बीमार है डिजीज या क्या। देखो मोरीबंड या डेड मतलब, मोरीबंड मतलब वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं या डेड मर चुके हैं। ये है जिनमें थोड़ा बहुत डिजीज है, इन्फेक्शन हो रखा है, कैंकर हो रखा है। ये हमारे लिए देखो, हम जितने भी मेजरमेंट कर रहे हैं उसका पर्पज़ ये है कि हमारे लिए कोई कॉमर्शियल यूज है कि नहीं। ये हमारे लिए कोई ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए हम कैंकर है इन्हें कैंसर है इसलिए केसे शो कर देते हैं। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन, कहीं नीचे कोई नई नई वेजिटेशन है, जो नया पेड़ उग रखा होगा कहीं, तो उसे हम शो करते हैं आर से। और ओवर मैच्योर का मतलब कोई यहाँ पर ऐसा भी प्लांट हो सकता है जो फॉरेस्ट स्टैंड है अपनी, सपोज यहाँ की जो ये इवन एजेड स्टैंड है, इवन एजेड मतलब इसकी एज सपोज 20 साल है, कोई ऐसा भी पेड़ हो सकता है जो 30-35 साल का हो, कभी पुराने वाला होगा, कभी कटाई के टाइम पे छूट गया होगा, यहाँ पर खड़ा है अभी तक। तो जो वेटरन होते हैं, वेटरन्स ही लगाते हैं ना, जो अपने बोलते हैं कोई भी नेता है तो वो वेटरन पॉलिटिकल लीडर है, तो वेटरन मीन्स वी, वो है ओवर मैच्योर के लिए यूज किया जाता है। ये टाइप के सिंबल है, इनमें एक ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा यूज़ नहीं है, याद रह जाए तो समझ लो एमसीक्यू टाइप के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ केवल जो 3 टर्म है अपने लिए, डोमिनेंट, डोमिनेटेड और सप्रेस्ड, बस इतने से काम हो जाता है, कभी कोट वगैरह करना हो या फोडर पॉइंट में कहीं लिखना हो तो वो काम दे देते हैं। फिर ये भी जो है कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एस, इनको भी फिर बाद में डिवाइड करते हैं, ए बी सी डी ऐसी कैटेगरी है उनकी, उनके कैरेक्टर के हिसाब से देख लेना अगर देखना हो। वैसे मेरे हिसाब से इन्हें छोड़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंस है नहीं है। ये हमने पढ़ा अभी तक इवन एजेड स्टैंड के लिए। एक अन इवन एजेड स्टैंड भी है। अन इवन एजेड में क्या होगा, देखो अन इवन एजेड में डिफरेंट टाइप की एज के हैं, अब वहाँ मिक्सअप की तो बात ही नहीं की जा रही, वहाँ पर तो एज भी अलग अलग है और पॉसिबल हुआ तो कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा। तो वहाँ पर तो ये अपनी जो क्लासिफिकेशन है, कैनोपी क्लासिफिकेशन है या कैनोपी आर्किटेक्चर, वो कहीं बैठ ही नहीं पाता है। तो उसके लिए बाद में जो अपने चैंपियन सेथ में जो सिद्ध साहब थे, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था इनके कैनोपी के, जो क्राउन है ट्री के, उसको कितना लेवल का फ्रीडम है, कितना ज़्यादा फ्री है वो, उसके बेस पर उन्होंने इसकी 3 क्लास दिया था कि यहाँ पर फ्री है, रेस्ट्रिक्टेड है या कन्फाइंड है। जिन्हें पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं, इसे एक बार देख लें, बस इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। क्वेश्चन इस पे ये बोल सकते हो कि अभी तक जहाँ 2000 लगभग 2 से हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है उन्हें डिस्कस किया है, यहाँ 2002 या 2005 मान लो, वहाँ से लेके 20 तक, यानी कि लास्ट 15 ईयर में आपको केवल एक क्वेश्चन मिला, कैनोपी आर्किटेक्चर इन फॉरेस्ट्री, और वो भी उस टाइम के में जब फॉरेस्ट्री वाले डायरेक्ट इन्वॉल्व होते थे, पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, उस टाइम पे ये कैनोपी आर्किटेक्चर पूछा गया, अदरवाइज पूछा ही नहीं गया तब से। सो मेरे हिसाब से अगर ये याद ना हो तो टिपिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक टाइप से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो इसे स्कैप कर सकते हैं। अब यहाँ अपने दो लिंक क्वेश्चन थे, साइट वाले फैक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, वाई साइट स्पेसिफिक प्लानिंग इज एसेंशियल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइट जो है उसी के हिसाब से हमें स्टैंड चाहिए। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि हमें स्टैंड स्पेसिफिक प्लानिंग है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे टाइप से इस क्वेश्चन को लिखा जाए, क्योंकि आज उन्होंने साइट पूछा है तो कल उसे स्टैंड से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट पे वगैरह पे क्या कर सकते हैं। तो वो अपने 4 फैक्टर चलते हैं, फिर यहाँ पर अपन अदर स्पीसीज को भी ले लेंगे, सोयल वगैरह फैक्टर वगैरह वो सारी चीज़ें चलेंगी, स्टैंड वाली चीज़ें, तो इससे थोड़ा ध्यान रखना है। इसे हाउ इज साइड क्वालिटी इंपॉर्टेंट इन टिम्बर प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट था डिस्क्राइब द मेथड यूज टू मेजर द साइड क्वालिटी, ये साइड क्वालिटी का क्वेश्चन मुद्दा था यहाँ पर, कि साइड क्वालिटी इंपॉर्टेंट इन टिम्बर प्रोडक्शन। तो साइट क्वालिटी के हिसाब से आप ये देखोगे कि हमें वहाँ प्योर क्रॉप करना सही है या मिक्स क्रॉप, और अगर प्योर करना है तो इवन एजेड करना सही है या अन इवन एजेड, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अपनी इंक्लूड हो जाएगी, तो उसे भी थोड़ा ध्यान रखें। इसी का जो है कल संडे को मॉर्निंग में आ जाएगा, उसमें आएगा अपना हार्डनेस एंड टॉलरेंस वाला पार्ट, फॉरेस्ट सक्सेशन और फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया, इन्हें उस 3 में कर लेंगे। तो अपना ये बोल सकते हैं कि एक वीक में अपने लगभग ये 11-12 हो गए, हालांकि एक वीक में आपको पूरा सिल्विकल्चर कवर करना था लेकिन ये हाफ हुआ है, दीपावली की छुट्टियों में भी ये थोड़ा बहुत कर लेंगे तो अपना सिल्विकल्चर कवर हो जाएगा जल्दी। और आपके जो ये पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है,
इसमें पूरी फॉरेस्ट्री में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो सिल्वीकल्चर ही है। अदरवाइज जैसे ही आप अदर सब्जेक्ट पे आएंगे, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री है, वो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, उनकी हवा नहीं लगती आपको। जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो सिल्वीकल्चर ही लेता है। थोड़ा स्लो भी पढ़ाते हैं क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट में बार बार इसकी टर्मिनोलॉजी आएगी, ये पूरे फॉरेस्ट्री का बैकग्राउंड बनाता है।